चलिए जेम्स के बाद अब जॉन की बात करते हैं। जॉन अब्राहम अपने खेल ट्रेन के लिए जाने जाते हैं और इस बार वो लोकप्रिय बनाना चाहते हैं कैसे खेल को जो भारत में कम खेला जाता है। सुपर बाइक्स पर हवा से खूब बातें कर ली, बॉल के मैदान में गोल भी खूब दाग लिए, मैराथन में भी खूब दौड़े और अब जॉन अब्राहम के सिर पर जुनून सवार है किक बॉक्सिंग का। इसीलिए मुंबई के एक जिम में अपने ट्रेनर जियाउद्दीन के साथ ऐलान करते दिखे देश की पहली एशियन ओपन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। ये बहुत शुरुआती दौर है, इस साल कई प्रतियोगी विदेशों से आए हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने। किक बॉक्सिंग एक टफ खेल है मगर जॉन का कहना है कि इसे हिंसक समझने की भूल न करें। ये सिर्फ एक खेल है और हम जैसे लोग जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हिंसक नहीं है, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो क्यों ना जॉन ही हमें किक बॉक्सिंग के थोड़े बहुत जौहर दिखा दे, पर इनका कहना है कि हम रियल हीरोज का ही इंतजार करें तो ठीक है। आपको फाइटर्स को देखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो बस कुछ दिन का इंतजार और एशियन ओपन किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप पुणे के बेलवाड़ी स्टेडियम में 20 और 21 फरवरी को होने जा रही है। मुंबई से विक्रम थापा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।